हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथिसिस। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथिसिस केंज की हाइपोथिसिस नूं कहा जाता है। ये केंज ने दस्या है कि इनकम ते कंजम्पशन दे विच किहो जिहा रिलेशन हुंदा है, शॉर्ट पीरियड ते लोंग पीरियड दे विच एपीसी ते एमपीसी दे विच डिफरेंस क्यों पाया जाता है। केंज ने दस्या है कि शॉर्ट पीरियड दे विच एपीसी ते एमपीसी घटदी हुई हुंदी है, फॉलिंग हुंदी है, पर लोंग पीरियड दे विच एपीसी ते एमपीसी कॉन्सटेंट हुंदी है। इन्हें दस्या कि शॉर्ट पीरियड के एपीसी ते एमपीसी घटती हुई क्यों होंगी है, क्योंकि लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति इस तरह की होंगी है, साइकोलॉजी इस तरह की होंगी है कि जो उन्होंने इनकम बढ़ती है तो वधी हुई आमदन दे विचों खर्चा करते हैं, कंजम्पशन बढ़ा देंगे, पर उन्ना कंजम्पशन नहीं बढ़ाते जिनी इनकम बढ़ती है। इस करके शॉर्ट पीरियड के एपीसी ते एमपीसी है जिहड़ी वह घट रह जाती है, कंजम्पशन इनकम के नालों घट रह जाता। केंज ने यह दसिया कि शॉर्ट पीरियड ए बी सी एम बी सी दोवें घटदियां होंगे। होर अर्थशास्त्रियों ने, होर इकनोमिस्ट्स ने भी ये हाइपोथिसिस है जी टेस्ट करी है, तो उन्होंने भी यही दसिया कि ए पी सी एम पी सी शॉर्ट पीरियड के घटती हुई होंगी है। ए पी सी एम पी सी शॉर्ट पीरियड नॉन परपोर इनकम ते कंजम्पशन दे विच सॉरी इनकम ते कंजम्पशन दे विच शॉर्ट पीरियड च नॉन प्रपोर्शनल रिलेशन होंदा। इस करके नॉन प्रपोर्शनल इनकम ते कंजम्पशन दे विच नॉन प्रपोर्शनल रिलेशन होंदा। इस करके एपीसी ते एमपीसी है जिहड़ी वो घटदी हुई होंदी है। लोगों की साइकोलॉजी इस तरह की होंदी है कि जदों उन्हां दी इनकम वधदी है कंजम्पशन नूं भी वधाउंदे आ, पर उन्ना नहीं बढ़ाते जिनी इनकम बढ़ती है। लोंग पीरियड केंज ने दसा कि लोंग पीरियड ए पी सी एम पी सी कॉन्सटेंट होनी है तो बराबर भी होनी है। इनकम के कंजम्पशन का रिलेशन प्रपोर्शनल होगा। लोंग पीरियड के इनकम तो कंजम्पशन के प्रपोर्शनल रिलेशन होंगे। ए पी सी एम पी सी कॉन्सटेंट होंगे है, ए पी सी एम पी एम पी सी कॉन्सटेंट करने वास्ते कुछ होर फैक्टर है जोड़े वो उत्तरदायी होंगे है। केंज ने दसा कि होर कोई फैक्टर है जोड़े लोंग पीरियड के कंजम्पशन तो इनकम प्रपोर्शनल बना देंगे, वो दे बारे आप बाद गल करेंगे। केंज ने दसा कि वो थ्योरी के दसिया हाइपोथेसिस दसा कि तीन फैक्टर है जिहड़े इहदे च केंज ने लए है। पहला हैगा सी टी इज अ फंक्शन ऑफ वाई टी टाइम की कंजम्पशन टी टाइम की इनकम के उत्ते डिपेंड करती है। प्रेजेंट टाइम की कंजम्पशन प्रेजेंट टाइम के कंजम्पशन के उत्ते डिपेंड करती है, यह दसिया केंज ने। दूजा दसिया कि कंज्यूमर का बिहेवियर है जिहड़ा वो रिवर्सीबल होंदा। कंज्यूमर बिहेवियर रिवर्सीबल होंदा है, जदों कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, वो वध कंजम्पशन करता है, पर जदों उसकी इनकम घटती है तो उदों कंजम्पशन भी घटा देता है। इस तरह उसका व्यवहार है जिहड़ा बिहेवियर है वो रिवर्सीबल होंदा है, चेंज हो जाता है। जिवें उसकी इनकम चेंज होंदी है उस तरह ही वो अपने कंजम्पशन भी चेंज कर देता है। अगला तीजा फैक्टर हैगा इंडिपेंडेंट बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर है जिहड़ा वो होर फैमिलीज तो इंडिपेंडेंट होंदा है। जदों कंज्यूमर जिहड़ा भी कंज्यूमर हैगा उहदी कंजम्पशन दे उत्ते उहदी आपदी इनकम ही प्रभाव पाउंदी है। केंज ने दस्या कि दूजे व्यक्ति या दूजे परिवारों की इनकम का व्यक्ति दे कंजम्पशन दे उत्ते कोई फर्क नहीं पैंदा, जां होर परिवारों का जां होर कंज्यूमरस का व्यक्ति की आमदन खर्चे के उत्ते कंजम्पशन के उत्ते किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पैंदा, सिर्फ उसकी आपकी इनकम है जिहड़ी वही इस नूं निर्धारित करती है प्रभावित करती है। तो हुण ओह किहड़े कारण हैगे है जिहड़े शॉर्ट पीरियड के कंजम्पशन करव नूं उपर नूं शिफ्ट कर देंदे है। इहदे बारे केंज ने कई कारण दसे हैगे है कि शॉर्ट पीरियड का कंजम्पशन करव है जिहड़ा वह लोंग पीरियड के कंजम्पशन करव का रूप किवें धारण करता है, किहड़े-किहड़े कारण हैगे है जिहड़े शॉर्ट पीरियड के कंजम्पशन करव नूं उपर नूं शिफ्ट कर देंदे है जां उहदे च अपवर्ड शिफ्टिंग करदे है।
पहला कारण है इंक्रीज इन द एक्युमुलेटेड वेल्थ, इंक्रीज इन द एक्युमुलेटेड वेल्थ। जदों परिवारों की एक्युमुलेटेड वेल्थ बढ़ जाती है तो वह ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर देंगे, उन्होंने कंजम्पशन बढ़ जाती है, इस करके शॉर्ट पीरियड का कंजम्पशन कर्व उपर शिफ्ट हो जाता है। दूसरा कारण है न्यू कंज्यूमर गुड्स, दूसरा कारण है कंजम्पशन कर्व के उपर शिफ्ट होगा न्यू कंज्यूमर गुड्स। सैकेंड वर्ल्ड वार तो बाद मार्केट के नवी कंज्यूमर गुड्स आनी शुरू हो गई, इस करके सैकेंड वर्ल्ड वार तो बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जोड़ा वह बढ़िया, तो नवी कंज्यूमर गुड्स जो ही मार्केट के आदियाँ तो उदो लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इस करके शॉर्ट पीरियड का कंजम्पशन करो लॉ उपर शिफ्ट हो जाता है। तीसरा कारण है शिफ्ट ऑफ पापूलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, चेंज के टाइम च यही मनिया जाता सी कि जेडे पिंड है उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घट होंगे, उन्होंने जिनी उन्होंने आमदन होंगी है उस नालों घट वस्तुआं खरीदते हैं, इस करके उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घट होंगे, पर जदों ही वो शहरों के आ जाते हैं शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं शहर च रहन लग जाते हैं शहरीकरण होंगे तो उदो कंज्यूमर गुड्स है जिहड़ियां वो वध खरीदन लग जाते हैं। केंज ने दस्सिया कि शहरों के लोग है जिहड़े वो वध वस्तुआं खरीदते हैं, जिनी उन्हां दी आमदन हुंदी है उस हिसाब नाल वो वध आमदन वध वस्तुआं खरीदते हैं, इस करके उन्हां दा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वध हुंदा है। जदों लोकी पिंडा तो शहरां वल नूं जांदे है तो उहदे करके भी कंजम्पशन कर्व है जिहड़ा उपर नूं शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि लोगों का कंजम्पशन है जिहड़ा वो वध जांदा है। हम भी अगला कारण हैगा चेंज इन एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, चेंज इन एज कंपोजिशन। जदों पॉपुलेशन दी कंपोजिशन चेंज एज कंपोजिशन चेंज हो जाती है तो उदों भी शॉर्ट पीरियड का कंजम्पशन कर्व उपर नूं शिफ्ट हो जाता है, जिमें जिमें पापूलेशन दे विच बजुर्गों की संख्या वधदी जाती है बजुर्गों की आमदन घट हुंदी है पर उन्होंने खर्चे वध जाते हैं, इस करके कंजम्पशन ते इनकम दे विच संबंध है जिहड़ा वो प्रपोर्शनल होने लग जाता है, उन्हां दी जिन्नी आमदन हुंदी है वध तो वध आमदन नूं वो अपने कंजम्पशन दे उत्ते खर्च कर देंदे, इस करके भी कंजम्पशन दे वधन नाल शॉर्ट पीरियड का कंजम्पशन कर्व है जिहड़ा उपर नूं शिफ्ट हो जाता है ते लोंग पीरियड के कंजम्पशन कर्व दे नाल नाल मिल जाता है। ये कारण सीगे जिहड़े कंजम्पशन कर्व नूं उपर नूं शिफ्ट करते हैं। हुण आपां देखते हैं इहनूं डायग्राम दे नाल एक्सप्लेन करते हैं। जिहदे च इनकम ते कंजम्पशन का रिलेशन है जिहड़ा ये प्रपोर्शनल दिखाया गया, इनकम जिवें जिवें चेंज हो रही है उस हिसाब नाल कंजम्पशन भी चेंज हो गया। ये जिहड़ा पहला कर्व आपां लै रहे हैं सी एस कर्व, ये सी एस वन है, सी एस वन कर्व शॉर्ट पीरियड का पहला कंजम्पशन कर्व है, जिहड़े कारण दसे है कि जदों पापूलेशन की एज कंपोजिशन चेंज हो जाती है जो लोग शहरों से आने लग जाते हैं एक्युमुलेटेड वेल्थ है जी बढ़ जाती है कंज्यूमर गुड्स नवी आदि तो वो करके शॉर्ट पीरियड का कंजम्पशन कर उपर नूं शिफ्ट हो जाता है, उपर नूं शिफ्ट हो के सी एस टू हो जाता है। ये हम ए बी पॉइंट है जेडे ए लॉन्ग पीरियड के कंजम्पशन कर भी है ए बी पॉइंट के उ ए ते बी दोनों पॉइंट्स
कॉन्सटेंट पीरियड बराबर की है। ये दोनों करो शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के कंजम्पशन करो च भी है, लॉन्ग पीरियड के कंजम्पशन करो च भी है। इस करके जदों जिहड़े चार कारण दसे है केंज ने उन्हां कारणां करके कंजम्पशन करो है जिहड़ा उपर नूं शिफ्ट हो जांदा है, ते इस दे विच इनकम ते कंजम्पशन दे विच जिहड़ा रिलेशन है वह प्रपोर्शनल होने की प्रवृत्ति है जिहड़ी प्रगट होने लग जाती है। ये सारे कारण हैगे, चार कारण एकमूलेटेड वैल्थ का वध जाना, नवीं कंज्यूमर गुड्स का बाजार च आ जाना, पापूलेशन की एज कंपोजिशन चेंज हो जाना, लोगों का पिंडों तो शहरों वालों आना, इन सारे कारण करके शॉर्ट पीरियड का कंजम्पशन कर उपर नूं शिफ्ट हो जाता है, तो लॉन्ग पीरियड के कंजम्पशन कर रूप धारण करता है, लॉन्ग पीरियड के बराबर ही हो जाता है। ये जो लॉन्ग पीरियड का कंजम्पशन कर सी एल कर है, ये इनकम के कंजम्पशन का रिलेशन है जिहड़ा ये प्रपोर्शनल है, जिस हिसाब न इनकम के चेंज हो रहा उस हिसाब न कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है। ये जो सी एस वन तो सी एस टू करो है, ये दोनों करो शॉर्ट पीरियड के कंजम्पशन करव है, इन दोनों दे इनकम तो कंजम्पशन का रिलेशन है जो नॉन प्रपोर्शनल है। इतने जो सी एल करव है, सी एल करव के उत्ते सी एल करव है जो इनकम के कंजम्पशन का रिलेशन है जो प्रपोर्शनल है। सी एस करव जो है सी एस वन है चाहे सी एस टू है, दोनों के इनकम के कंजम्पशन का रिलेशन नॉन प्रपोर्शनल। इस तरह ना केंज ने यह समझाने की गल की है कि शॉर्ट पीरियड के इनकम तो कंजम्पशन का रिलेशन नॉन प्रपोर्शनल क्यों होंगे, तो लॉन्ग पीरियड के इनकम तो कंजम्पशन का रिलेशन प्रपोर्शनल क्यों होंगे। इन्हें यह गल दसी है कि ए पी सी तो एम पी सी शॉर्ट पीरियड के फॉलिंग होंगी है घटती हुई होंगी है, तो लॉन्ग पीरियड के ए पी सी तो एम पी सी कॉन्सटेंट होंगी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।